हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिस पर एमएस ऑफिस, टैली, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ और भी बहुत सारी कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो लाने वाला हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको हमारी हर वीडियो आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आज की वीडियो फोटोशॉप पर होने वाली है। गाइस, हम फोटोशॉप 7.0 का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें आपको फोटोशॉप 7.0 को इंस्टॉल करने से लेकर फोटोशॉप के सभी टूल्स और सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में समझाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं फोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करें। इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को फोटोशॉप के फोल्डर में जाना होगा। अगर आपके पास वो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिस लिंक पे क्लिक करके आप अपने फोटोशॉप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेटअप वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप लोगों को राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोगों को ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को यस कर देना है। यस करने के बाद आपका जो फोटोशॉप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को फिर से नेक्स्ट करना होगा, फिर आपको फिर से नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पे आप अपना फोटोशॉप किस लिए यूज करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए या फिर इंडिविजुअल, तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना मिस्टर एंड मिसेज टाइटल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम डालना होगा एंड फिर उसके बाद में आप लोगों को अपना लास्ट नेम डालना होगा। लास्ट नेम डालने के बाद आपको अपना यहाँ पे कंपनी का नेम डालना होगा, फिर उसके बाद में सीरियल की डालनी होगी। सीरियल की आप लोगों को कहाँ से डालनी है उसके लिए आप लोगों को फिर से उस फोल्डर में आ जाना है। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सीरियल वाला ऑप्शन देखने के मिल रहा होगा, सिंपली आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो फाइल है आपकी नोटपैड में खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को ये सीरियल की दे रखी है, इस सीरियल की को आप लोगों को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आप लोगों को फोटोशॉप पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को सीरियल की में ये की पेस्ट कर देनी है। जैसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आपको इस पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर से यस कर देना है। यस करने के बाद फिर से आप लोगों को नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, फिर से नेक्स्ट, एंड आपका जो फोटोशॉप है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। जब आपका फोटोशॉप कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको इनको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अपने फोटोशॉप को स्टार्ट करके देख सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जैसे आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का रन कमांड बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली फोटोशॉप टाइप करना होगा। फोटोशॉप टाइप करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको फोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी कि इस फोटोशॉप में किस एरिया को किस नाम से जाना जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडोब फोटोशॉप, जिस लाइन में लिखा हुआ है ये लाइन हमारी टाइटल बार होती है। इसमें हमारी फाइल का नाम शो होता है एंड इसके राइट साइड में हमें यहाँ पे तीन बटन दे रखे हैं। पहला बटन है मिनिमाइज का, इससे आपका जो फोटोशॉप है वो मिनिमाइज हो जाएगा एंड आपका जो फोटोशॉप है वो टास्क बार में दिखने के लिए मिल जाएगा। आपको फिर से ओपन करने के लिए आपको टास्क बार में नीचे फोटोशॉप वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, इससे आपका जो फोटोशॉप है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट बटन दे रखा है इसमें रिस्टोर डाउन का, इससे आपके फोटोशॉप का साइज कम हो जाएगा। आपको फिर से रिसाइज करने के लिए आप लोगों को बीच वाले बटन पे क्लिक करना होगा। आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है क्लोज का, इससे आपका जो फोटोशॉप है क्लोज हो जाएगा। बात कर लेते हैं टाइटल बार के, जस्ट नीचे हमें कुछ मेन्यू बार मिले होते हैं। इन मेन्यू बार में कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इन ऑप्शन को हम आने वाली वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। बात कर लेते हैं इसके जस्ट नीचे हमें मिलता है टूल बॉक्स, इन टूल्स को हम फोटो को एडिट करते समय यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी टूल्स हाईलाइट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वाली लाइन को हम ऑप्शन बार बोलते हैं। ऑप्शन बार में ही आपको राइट साइड में मिलता है फाइल ब्राउजर, इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपकी जो पिक्चर्स हैं आपके ड्राइव में जो पिक्चर डली होंगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इन पिक्चर को आप डबल क्लिक करके अपने लेयर पे लेके नेक्स्ट इसमें आपको ब्रश वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको कई सारे ब्रश देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ से कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसका साइज जो है यहाँ से आप कम या ज्यादा कर। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ये पैलेट्स होती है हमारी। यहाँ पे कई सारी पैलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे लेयर्स है, चैनल है, पाथ है। लेयर्स वाले ऑप्शन में आपका आपके जो भी लेयर्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे आप उस लेयर को एडिट कर सकते हो, उस लेयर को डिलीट कर सकते हो एंड यहाँ पे एक नई लेयर ले सकते हो। लेयर एंड टूल बॉक्स के जस्ट नीचे आपको मिलता है स्टेटस बार, इसमें आपको जो लेयर होगी उसका जूम साइज होगा एंड यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट का साइज हो जाएगा और साथ ही में आपने जो भी टूल्स यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है उस टूल से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज आपको शो हो जाएगा। ये हो गया हमारा फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अगर आपके में यहाँ पे टूल बॉक्स या फिर लेयर्स या फिर ऑप्शन वाले कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे तो आपको विंडो में जाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को टूल्स, ऑप्शन, लेयर, स्टेटस बार, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपके जैसे कि टूल बॉक्स नहीं आता तो यहाँ पे आप लोगों को अनटिक होगा, जैसे हमारा यहाँ पे टूल बॉक्स चला गया है। आपको फिर से अगर लेके आना होगा तो फिर से विंडो में जाना होगा, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन को चेक इन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टूल बॉक्स आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो हमने जाना कि आप फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही में हमने फोटोशॉप को कुछ इंट्रोडक्शन जाना। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे फोटोशॉप के टूल बॉक्स के बारे में।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही में मैंने आपको व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक ले जाए।